दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर सन 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यह बिल्कुल वैसा कंप्यूटर था जो आप देखते हैं, तो यह बिल्कुल वैसा नहीं था। उसके बाद सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर प्रपोज किया, जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। यह कुछ ऐसा दिखता था। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर में सिर्फ 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता था। माउस भी लकड़ी का बना होता था, जिसका आविष्कार 1960 के दशक की शुरुआत में SRI के डंगलस एंगेलवर्ट द्वारा किया गया था। दोस्तों, दुनिया का पहला मोबाइल फोन आविष्कार होने के 10 साल बाद वर्ष 1983 में मोटोरोला ने आम लोगों के लिए पहली बार मोबाइल बाजार में लाया, जिसका नाम था मोटोरोला डायना TAC 8000X। लेकिन भारत में मोबाइल फोन की शुरुआत 12 साल बाद यानी 31 जुलाई 1995 में हुई थी। कंप्यूटर के बाद दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न ने बनाया था, जिसे ऑसबॉर्न कंप्यूटर्स नामक कंपनी ने लॉन्च किया था। आज बाजार में 2 TB/TB तक की हार्ड डिस्क आसानी से मिल जाती है, लेकिन शुरुआत में पहली कंप्यूटर हार्ड डिस्क सन 1956 में कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी IBM द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम रैम AC रखा गया था। इस हार्ड डिस्क को बनाने वाले आविष्कारक का नाम रे जॉनसन था, जिसको कंप्यूटर हार्ड डिस्क का पिता भी कहा जाता है। इस हार्ड डिस्क में केवल 5 MB तक डाटा स्टोर होता था और इसका वजन 1 टन था, जो कुछ इस तरह दिखती थी। बढ़ते बढ़ते दुनिया की पहली 1 GB हार्ड डिस्क सन 1980 में बनाई गई थी। इसका वजन लगभग 250 किलो था। इसकी कीमत $40,000 यानी 30 लाख रुपए थी। उसके बाद 1 TB हार्ड डिस्क सबसे पहले हिताची कंपनी द्वारा सन 2007 में बनाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा चलन में रही। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है, जिसे गोली से बचा जा सकता है। सन 1995 में डोमेन नेम बुक कराना बिल्कुल फ्री था। सबसे पहले डोमेन नेम symbolic.com नाम से रजिस्टर्ड किया गया था, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी थी। गूगल सर्च इंजन की शुरुआत 1998 में हुई थी। वर्ल्ड वाइल्ड वेब यानी WWW से पहले ईमेल की सुविधा थी और इसके लिए कोई URL भी नहीं था, बस कुछ गिने चुने वेब पेज थे। ईमेल के लिए वेब पेज नंबर 7776 था। सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोबाइल नोकिया कंपनी के थे, जिसमें नोकिया 1100 और नोकिया 1110 के लगभग 250 मिलियन मोबाइल बिक चुके थे। उसके बाद एप्पल कंपनी के स्मार्ट मोबाइल iPhone 6, iPhone 6 Plus, जिसके करीबन 220 मिलियन सेट्स बिक चुके थे। फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए उन्होंने फेसबुक के डिफ़ॉल्ट कलर को ब्लू यानी नीला रखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।